हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। मैं आपका होस्ट अदौत विकास, स्वागत है फिर से एक बार आपका वृंदावन में। तो इस समय अभी हम मथुरा की पावन भूमि वृंदावन में है और वृंदावन में सबसे फेमस जो मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, ऊपर से होली। और वृंदावन की जो होली है ना भाई, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अगर पिछले साल जो हमने आपको होली दिखाई थी वो पोखरा की दिखाई थी जो कि वर्ल्ड फेमस है, इस साल हम आपको वर्ल्ड की फेमस होली मथुरा वृंदावन की दिखा रहे हैं और उसमें भी सबसे फेमस मंदिर बांके बिहारी मंदिर, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और आप मेरे आजू बाजू ना क्राउड देख सकते हो कि भाई कितना अल्टीमेट क्राउड है भाई, इंसेन क्राउड यहाँ पहुँचा हुआ है, काफ़ी क्राउड है। वैसे हम लोग कल रात को यहाँ पे आ गए थे वृंदावन में, कल हमने सारे यहाँ के मंदिर एक्सप्लोर कर लिए थे, कल वो वाली बात नहीं थी जो आज है भाई। ये मेरे सामने जस्ट प्रेम मंदिर है और इसके आगे देखो भाई कितनी भीड़ है, जहाँ पे आप जाओगे ना वहाँ पे आज रोडों पे लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं। तो आपको शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो भाई। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन ब्लॉग्स आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं आपके साथ में। बैरिकेडिंग की हुई है लेकिन लोग बैरिकेडिंग के नीचे से ऊपर से घुस घुस के आ रहे हैं। तो भाई कल रात को जिस होटल में हम रुके थे ना उसी के बगल में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज हम लोग खा रहे हैं सुबह परांठे, क्योंकि बहुत दिनों से ना परांठे खाए नहीं है, तो एक गोभी का और एक आलू प्याज का परांठा मिल गया है यहाँ पे। ये ना वृंदावन का जो पूरा शहर है ना उसकी परिक्रमा लगाई जाती है और ये परिक्रमा का मार के भाई साहब भीड़ देख रहे हो यहाँ पे कितनी भयंकर भीड़ है। बजाय इसको हाथ में क्यों रखा हुआ है, बस 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 अब ब्लॉक करने दे। तो भाई ये भीड़ है और यहाँ पे ना वृंदावन में जो भयंकर होली होती है ना वो इसी परिक्रमा वाले मार्ग पे होती है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं पहले बांके बिहारी मंदिर में, उसके बाद आपको थोड़ा सा परिक्रमा वाला रास्ते पे लेके चलेंगे। और भाई ये क्राउड देखो भाई, बाप रे बाप भाई साहब, इतना जन सैलाब जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई साहब। जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं भाई, रोड नहीं दिखाई दे रही बस लोग ही दिखाई दे रहे हैं। हमने थोड़ा रास्ता चेंज कर लिया, हम परिक्रमा वाले मार्ग पे नहीं जा रहे हैं, हम बांके बिहारी मंदिर की तरफ को जा रहे हैं। मंदिर से ना 1 किलोमीटर आगे श्री कृष्णा वल्लभ टेम्पल है, ये इस्कॉन का टेम्पल है और यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है एंट्री बंद है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना होली वगैरह नहीं होती है इसमें। अगर आप जाओगे होली सेलिब्रेट करेंगे तो यहाँ पे होली वगैरह ये लोग नहीं खेलते हैं। ये प्रेम मंदिर की गलियों से हम बांके बिहारी मंदिर की गलियों में आ गए और यहाँ की गलियाँ देखो भाई, ऐसे तरीके से सजा रखी है। आपको यहाँ पे गलियों में ना बांके बिहारी कान्हा जी का जो साधु सज्जा का सामान होता है ना वो सब यहाँ पे मिलेगा। ये देखो इसी तरह की सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं दोनों तरफ। लोग वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते ना हम लोग आके एक जगह बैठ गए, एक चाय की दुकान पे। यहाँ पे लगभग ना 1.5 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 2:30 बजे करीब और अभी 4 बज रहे हैं और मंदिर के जो कपाट है ना वो 4:30 बजे खोलेंगे। वहीं पे बैठे बैठे जब से हमने ना 3-4 ग्लास चाय के पी लिए हैं और यहाँ पे हमें कुछ मित्र लोग मिले, ये US से हैं और ये आप गाजियाबाद से हैं। तुलसी बना दो, तुलसी बना दो, जो मर्जी बना दो। अभी ना जिस जगह पे हम हैं यहाँ से ना बांके बिहारी जी की सवारी निकलती है। तो रज में हो आज बिरज में, आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली है रसिया। पूरी लाइन लगी हुई है, अभी यहाँ से मंदिर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर है और 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद ना हम फाइनली ना मेन मंदिर वाली गली में आ गए। और यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे ना दंड बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। भाई लोग हमने ना मंदिर के अंदर एंटर कर लिया है और मंदिर के अंदर ना भाई साहब इतना गुलाल, इतना रंग उड़ रहा है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भैया ऐसे कुछ नज़ारे, ऐसा कुछ माहौल है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी।
काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला। ऐसा लग रहा था हम चल नहीं रहे, एक वेव है जिसमें बहे जा रहे हैं। सवाल है, भाग्य साली है, काम बनने वाले थे। तो भाई साहब हम लोग तो आ गए दर्शन करके, लेकिन लाइन देखो भाई, यहाँ तक लाइन लगी हुई है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो भाई लोग मैं दर्शन करके मंदिर से अंदर आ गया, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था भाई। मतलब मेरे को तो पता था कि अंदर क्या होने वाला है, बहुत भीड़ थी। मैं पहले भी एक दो बार आया तो मैं प्रिपेयर था भाई उसके लिए, और तो दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। हम लोग मतलब अंदर तो घुसे अपने पैरों से, लेकिन बाहर आए हैं भीड़ के साथ साथ। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और हमारे साथ ना कुछ भाई लोग और आ गए, अर्श आ गया, अर्शदीप आ गया, और एक ही भाई आ गए। भाई कैसा रहा? अर्श कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त मजा आया। तुम तो अंदर जाने का कह रहे हो, मैं तो गया भी भगवान के बुलावे से और निकाला भी भगवान ने अपने आप। मैं तो गोल गोल घूमा, बिल्कुल गोल गोल घूमा। मतलब मेरे वीडियो में देखो, मैं पूरा गोल गोल घूम रहा हूँ। और भाई की ना थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, अब थोड़ा ठीक लग रहा, अब चेहरा ठीक हो गया थोड़ा। जब आया था भाई थोड़ा चेहरा मुरझा रखा था, टैबलेट ले लेना। लेकिन कल भाई का क्या होगा? और एक ही भाई आगे। भाई कैसा रहा? अर्श कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त मजा आया। तुम तो अंदर जाने का कह रहे हो, मैं तो गया भी भगवान के बुलावे से और निकाला भी भगवान ने अपने आप। मैं तो गोल गोल घूमा, बिल्कुल गोल गोल घूमा। मतलब मेरे वीडियो में देखो, मैं पूरा गोल गोल घूम रहा हूँ। और भाई की ना थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, अब थोड़ा ठीक लग रहा, अब चेहरा ठीक हो गया थोड़ा। जब आया था भाई थोड़ा चेहरा मुरझा रखा था, टैबलेट ले लेना। लेकिन कल भाई का क्या होगा? नॉर्थ सुबह से ना मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे आप? भगवान कृष्ण किधर थे मुझे नहीं पता चला, मुझे एक साइड से धक्का मारा, दूसरी साइड से बाहर भी कर दिया। अभी हम इसके लिए पेट खराब की दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई ली तुमने अभी? नहीं ले ली है, बरसाने में इसका पेट खराब हुआ है और यहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है भाई। अभी ना हमारा प्लान है कि आज हम लोग ना बनारस की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि वृंदावन के बाद ना जो मेरा प्लान था, मेरी बकेट लिस्ट में था, मेरे को बनारस की ना मसान होली देख रही थी, तो वो भी आज वो बकेट लिस्ट में मेरी पूरी होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग ना, तो उसके लिए ना मेरे को मथुरा जाना है, मथुरा से हम लोग बस पकड़ेंगे बनारस के लिए। तो देखते हैं कि बनारस में कोई गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मथुरा में भी स्टे कर सकते हैं। और मेरे साथ में रोहित भाई है। रोहित भाई चले? रोहित भाई नहीं, रोहित पहाड़ी है। रोहित पहाड़ी, हमको मथुरा जाना है। टेम्पो से चलेगा? डायरेक्ट मथुरा का मिल जाएगा? पक्का? पक्की बात? धन्यवाद। डायरेक्ट मिल जाएगा फिर हाटेला से? और जी भाई साहब क्या नाम है आपका? रफीक भाई मिले हैं हमें, और ये हमें हटेला तक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हटला हम हटेला बोल रहे हैं बार बार, हटला नाम है उस जगह का। तो चलो अब आपको मथुरा वृंदावन की होली के बाद हम आपके घुमक्कड़ भैया आपको लेके जा रहे हैं बनारस की गलियों में। लोग हम ना वृंदावन से हटला पहुंच गए। अब ये ना वो जगह है जहाँ से ना वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट होती है, और आज के दिन भाई परिक्रमा में ना परिक्रमा माँ में बहुत भयंकर होली होती है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होली बना रहे हैं लोग। ओहो 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 ओहो, क्या बात है। तो ये रास्ता है, क्या बात है। तो भाई ये रास्ता है, यहाँ से परिक्रमा करके लोग आ रहे हैं। देखो रंग, देख रहे हैं यहाँ पे रंग, ये देखो दबा के होली खेली गई है भाई यहाँ पे। मथुरा के लिए कोई डायरेक्ट ऑटो मिल नहीं रहा था, तो यहाँ से ना एक मायावती करके जगह है, ठीक है, वहाँ तक हम जा रहे हैं, फिर वहाँ से हमें मथुरा का ऑटो मिल जाएगा। और भाई साहब ऑटो देख रहे हो भैया का, बिल्कुल दर्द डिस्को बना रहा है भाई ने। तो भाई लोग हमने मथुरा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ना हम लोग वैसे बनारस जाने वाले हैं। बस का पता करते हैं कल, वैसे 4 तारीख को। वैसे मुझे पहले लग रहा था कि ना 4 और 5 तारीख को, 2 तारीख को बनारस में होली खेली जाती है, लेकिन जो बनारस में जो होली हम खेलने जा रहे हैं मसान होली, वो 4 तारीख की है। तो हमको आज तो पहले प्लान बनना था कि गोकुल की छड़ी मार होली के बाद हम लोग बनारस को निकलेंगे, लेकिन तो हम लोग आज ही यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन हम लोग अभी मथुरा में, तो हमने मथुरा में एक फेमस जो मंदिर है जिसको कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, उस जगह पे भी मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे बस अड्डे की तरफ। इतनी चमक दमक यार पहले यहाँ पे नहीं थी, अब तो काफ़ी बिल्कुल भाई काया पलट कर दिया इसका, रोड भी बिल्कुल नहीं बन गई और दुकानें भी काफ़ी पीछे पीछे कर दी हैं। पहले तो काफ़ी कंजेस्टेड हुआ करता था ये वाला एरिया। तो भाई वैसे तो ना ये जगह प्लान में नहीं थी, हम लोग यहाँ पे आने नहीं वाले थे, वो तो हम मथुरा आए बनारस जाने के लिए, तो हमको यहाँ पे आए तो हमने कहा कि एक बार आपको चलते दिखाते हुए चलते हैं। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे भाई श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ना पैदा हुए थे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा कुछ दिखता है भाई बाहर से, और अंदर इसमें ना फोटोग्राफी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो आपको बस बाहर से ही दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है। वैसे तो ये ना कंस की जेल हुआ करती थी उस टाइम पे, कि जहाँ पे कंस ने जो कृष्ण जी के माँ बाप थे ना उनको रखा था, लेकिन अब ये जगह ना कन्वर्ट करके फरीदाबाद, फरीदाबाद यस,
तो अब ये वो जगह है, अब इसको आप देखोगे ना बिल्कुल, अब ये बिल्कुल जेल की तरह नहीं है, बिल्कुल एक महल सा बना दिया है, वो भी काफ़ी बड़ा सा महल है, और यहाँ पे एक गुफा भी है अंदर। अभी अगर अंदर कैमरा अलाउड होता तो मैं आपको दिखा पाता, लेकिन अंदर कैमरा क्या, आप मोबाइल फ़ोन तक लेके नहीं जा सकते हो, और बेल्ट वगैरह शूज़ वगैरह सब कुछ बाहर उतार देते हो, खाने पीने की चीज़ तक अंदर लेके नहीं जा सकते हो, कुछ अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। और इसके बगल में एक मस्जिद भी है जिस पर थोड़ा अभी विवाद चल रहा है, बहुत जल्द वो भी। तो भैया श्री कृष्ण जन्मभूमि से हम लोग निकल चुके हैं बस अड्डे के लिए। चलो भाई बस अड्डे पहुंच गया, अंदर चल कर देखते हैं कि कोई बस मिलती है कि नहीं मिलती। और यहाँ पे भाई साहब ट्रैफिक काफ़ी बड़ा शहर है यार मथुरा का, और यहाँ पे पीछे पूछताछ केंद्र, लेकिन भैया पूछताछ केंद्र तो कोई नहीं है, तो हम देखते हैं किसी से बस वाले से पूछते हैं कि भैया यहाँ से बनारसी गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, वैसे पूछताछ केंद्र पर कोई बंदा होना चाहिए था। भाई साहब बोलते हैं ना कि होता भैया जो भगवान चाहता है, तो भगवान ये चाहता है कि हम लोग ना चैनल सब्सक्राइब करो मेरे भाई का, और राधे राधे क्या नाम चैनल का, घुमक्कड़ इंडिया, घुमक्कड़ इंडिया कितने सब्सक्राइबर हैं? सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया, चल रहा कैमरा, हाँ कैमरा चालू है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं भैया जी। तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि जो भगवान चाहता है वही होता है, तो भाई साहब मैंने ये मान लिया कि मैंने बोला था ना कि बनारस का बुलावा था तो हम लोग बनारस जा रहे हैं, लेकिन हमें ना कोई यार बस नहीं मिल पा रही, मथुरा बस स्टैंड पे भी हम गए वहाँ से ना कोई बस नहीं मिल रही बनारस की, आगरा से बस है लेकिन फिर आगरा से ना कल 12 बजे के बाद बस है बनारस की, तो कोई डायरेक्ट बस है नहीं। तो हम लोग पहुँचे और मेरे साथ ना बरसाने जैसा हो जाए कि बरसाने में पहुँचा था और होली ख़त्म हो चुकी थी, और मैं अगर बनारस पहुँचूँ और होली वहाँ पे ना हो पाए ना हो, क्योंकि कल ना 4 तारीख को वहाँ पे मसान होली है जो कि अघोरी लोग खेलते हैं ना, शायद बनारस ना जाएं और आपको ना गोकुल की छड़ी मार होली दिखाएं, क्योंकि तो आपने देखा होगा ना थोड़ी देर पहले हमारे साथ में अंकुश, जिसको एके राजपूत के नाम से आप जानते होंगे, और अंकुश व्लॉग हमारे साथ में थे ना, तो उन लोगों ने गुरुद्वारे में रूम लिया हुआ है, उनका भी फ़ोन भी आया था कि आप लोग कहाँ पे, तो हमने बताया कि भाई ऐसे हम प्लान कर रहे हैं, बस वगैरह कोई मिल नहीं रही, तो वो कह रहे हो कि भाई आप मत जाओ इस टाइम पे, आप परेशान हो जाओगे, तो आप हमारे गुरुद्वारे में आ जाओ। उन लोग हम ना मस्तानी पहुंच गए और वैसे तो हम गुरुद्वारे भी पहुंच गए थे, तो वो लोग बोल रहे हैं उन्होंने खाना नहीं खाया, अभी हमने भी नहीं खाया, उन्होंने भी नहीं खाया, तो हम एक काम करते हैं खाना पैक करके लेके जाते हैं चारों। कितना टाइम लगेगा खाना में? 10 मिनट हो जाएगा। क्या बात है, बहुत फास्ट सर्विस है भाई की। भाई लोग खाना पीना लेके ना हम लोग गुरुद्वारे में आ गए, और खाना भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो अपने भाई लोग वापस दोबारा में मिल गए। आज हम लोगों का ना लग रहा है साथ में लिखा हुआ था रुकना, तो इसलिए हम लोग दोबारा वापसी आ गए, क्योंकि हम लोग बनारस नहीं जा पाए क्योंकि कोई बस नहीं मिली, ना ही कोई ट्रेन हमको मिली, ट्रेन में तो वैसे भी हम जा पाते क्योंकि इतना होली का टाइम है ना, तो बहुत खचाखच भीड़ होती ट्रेन में। तो हम लोग आ गए, खाना वाना लेके आ गए थे, साथ में बुक कर रहे थे, दो भाइयों ने भी नहीं खाया था, तो हम लोग ने कहा इसी बहाने हम लोग साथ में डिनर भी कर लेंगे और कल साथ में फिर गोकुल घूमेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यही क्लोज करते, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अभी कैसे क्लोज कर दोगे यार तुम? फिर कब करना है अभी? अभी रात में थंगावली दिखाएगा क्या? अभी एके वाला स्टाइल करेगा ना, ऐसे ऐसे वाला। एके भाई अपने स्टाइल में एक बार क्लोज करो यार, कैसे करते हो? यार पता ना, मैं ना सोया हुआ था, अचानक से मैं ऐसे पलटा, मैंने ना रोहित पहाड़ी को देखा, वो ऐसे करके उठा था, मेरे को तो ना बहुत डर लग गया, बट कोई नहीं यार अभी मैं ना सो जाता हूँ। तो चलो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में, तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो अपने भाई का चैनल घुमक्कड़। लिखा हुआ था रुकना, तो इसलिए हम लोग दोबारा वापसी आ गए, क्योंकि हम लोग बनारस नहीं जा पाए क्योंकि कोई बस नहीं मिली, ना ही कोई ट्रेन हमको मिली, ट्रेन में तो वैसे भी हम जा पाते क्योंकि इतना होली का टाइम है ना, तो बहुत खचाखच भीड़ होती ट्रेन में। तो हम लोग आ गए, खाना वाना लेके आ गए थे, साथ में बुक कर रहे थे, दो भाइयों ने भी नहीं खाया था, तो हम लोग ने कहा इसी बहाने हम लोग साथ में डिनर भी कर लेंगे और कल साथ में फिर गोकुल घूमेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यही क्लोज करते, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अभी कैसे क्लोज कर दोगे यार तुम? फिर कब करना है अभी? अभी रात में थंगावली दिखाएगा क्या? अभी एके वाला स्टाइल करेगा ना, ऐसे ऐसे वाला। एके भाई अपने स्टाइल में एक बार क्लोज करो यार, कैसे करते हो? यार पता ना, मैं ना सोया हुआ था, अचानक से मैं ऐसे पलटा, मैंने ना रोहित पहाड़ी को देखा, वो ऐसे करके उठा था, मेरे को तो ना बहुत डर लग गया, बट कोई नहीं यार अभी मैं ना सो जाता हूँ। तो चलो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में, तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो अपने भाई का चैनल घुमक्कड़।